हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में इंडिया वर्सेस जो बांग्लादेश मैच होने वाला है और बेस्ट टीम बताने वाला हूँ। और पिछला मैच जो बताया था हमने काफी अच्छा रहा था भाई। इंडिया वर्सेस जो अफगानिस्तान मैच हुआ था आप देख सकते हैं, ठीक है। हम दिखाने वाला हूँ सारा कुछ लाइव और बेस्ट टीम आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल का स्क्रीन पर चलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आज मैच 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इंडिया के टाइम के अनुसार 8 बजे। बाकी बात वर्सेस सुबह ही होता है, ठीक है। तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और पिछला मैच आपको दिखाता हूँ, ठीक है, पिछला मैच आपको दिखाता हूँ हमने बनाया था टीम। और आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, उसी पर आपको फाइनल टीम मिलता है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पिछला टीम मेरा रहा था, यहाँ पर हमने 2 टीम आपको दिया था, दोनों टीम काफी अच्छा परफॉर्म करके दिया था। और मेरा जो ग्रुप में जो खेलते हैं मेरा नेटवर्क में उतना पॉइंट भी नहीं दिया, 782 पॉइंट उनका हाइस्ट है और मेरा यहाँ पर देख सकते हैं 819 पॉइंट दिया है। काफी अच्छा टीम बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कैप्टन में यहाँ पर राशिद खान को बनाया था, ठीक है। सारा ड्रीम 11 टीम में गया, सिर्फ शुभन दुबे इसमें फैल गया, बाकी बात इसमें सारा कुछ बढ़िया गया, ठीक है। सिर्फ शुभन दुबे फैल करके वॉइस कप्तान आसिफ सिंह को बनाया जो कि 3 विकेट लिया था। और राशिद खान भी यहाँ पर काफी अच्छा हम हमको पॉइंट दिए थे जो कैप्टन के लायक थे, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 टीम हमने बनाया था, ये विराट कोहली का ये भी काफी अच्छा टीम रहा था। यहाँ फारूकी को हमने वाइस कप्तान बनाया था और कप्तान विराट कोहली, विराट कोहली नहीं चल पाए, ठीक है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये काफी अच्छा टीम था। देन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आज के इस वीडियो में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश बताने वाला हूँ, सेम सेम बढ़िया टीम बताने होगा, आप लोग लास्ट देख रहिए। इस पर क्लिक करते हैं और 8 बजे मैच स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर के टीम पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ऋषभ पंत तो फिक्स से खेलेंगे, ठीक है। लिटन दास इनका उतना सिलेक्शन रेशियो नहीं है, 27% इनका सिलेक्शन रेशियो है, लेकिन ये ओपनिंग करते हैं तो आप लोग इनका मान सकते हो कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। पिछला पॉइंट इन्होंने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 पॉइंट दिया था, नेपाल के खिलाफ 35 पॉइंट इन्होंने दिया था, ठीक है। श्रीलंका के खिलाफ यहाँ पर इन्होंने 68 पॉइंट दिया जो कि काफी अच्छा है। तो हम इस मैच में लिटन दास को लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। और ऋषभ पंत को भाई ये तगड़ा खेलता है, ठीक है, बहुत ही निर्भय होकर खेलता है भाई, मस्त है। और ऋषभ पंत का मैं फैन नहीं हूँ। और यहाँ से सूर्या, सूर्या जो कि काफी मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इस मैच में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सूर्या को लेकर चलिए। अब विराट कोहली, विराट कोहली उनका परफॉर्मेंस अभी उतना अच्छा है नहीं, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इनको लेकर चलिए। रोहित शर्मा भाई बहुत सारा मैच में ये आउट हो जाता है, इसको रिक्सी बहुत है, ठीक है, इसलिए इस मैच में हमने लेकर चलने वाला हूँ। और यहाँ पर हेरिडो के यहाँ आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हसन, हसन को छोड़ देते हैं आप। बाकी बात ऑलराउंडर में हम लेंगे, यहाँ पर ऑलराउंडर में आप लोग यहाँ पर हसन को आप मस्त स्किप करिएगा, इनको आप लेके चलना है। हार्दिक पांड्या भाई विकेट निकाल के दे देता है और बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेता है। यहाँ पर आपको जडेजा, जडेजा को उतना परफॉर्मेंस है नहीं, आप लोग यहाँ पर रोहित सिंह को लेकर चलिए, ठीक है। और अक्षर पटेल भी विकेट निकाल के ही दे देते हैं भाई, बैटिंग भी कर ही लेते हैं, तो मांग चलिए आप अक्षर पटेल को लेके ही चलिए, ठीक रहेगा, ठीक है। नहीं तो आप इनको स्किप भी कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी बॉलिंग सेशन में आपको बुमराह को लेकर चलना है और हर्षदीप सिंह को भी लेकर चलना है, ठीक है। इनका और रहमान, मुस्तफी रहमान हो गए, टी अस्किप हो गए, तो टी अस्किप को इस मैच में हमको लूंगा। बाकी बार अगर आप लिटन दास को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, इस मैच में मैं स्किप करने वाला हूं, ठीक है। इससे आपको लेके चलना है, अगर आप ग्रैंडलिंग जीतते हैं तो आपको जो भी जीता उनको आप लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, तो आप लोग भी रिस्क लेके चलिए, ठीक है। बाकी बात अगर आप जो 59 रुपये लगाते हैं आप 59 रुपये पाना चाहते हैं तो आप लोग उस तरह का टीम बना सकते हो, लेकिन उस तरह का टीम बनाना से फायदा है नहीं, ठीक है। आप लोग यहाँ से हो गए। उसके बाद कुलदीप यादव, उनका फॉर्म आ चुका है, ठीक है। देन आने के बाद हम यहाँ पर एक हम बहुत सोच रहे हैं ठीक ही ले लें, मुजदीर रहमान को ही ले लें, ठीक है। तो इस मैच में हम मुजदीर रहमान को ही ले लेते हैं। उस वक्त प्रीव्यू पर क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने यहाँ टीम बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देन आने वक्त नेक्स्ट पर क्लिक करके कैप्टन में आप लोग किन को बनाइएगा, आप लोग हम तो बताने वाला हूँ लेकिन आप लोग बता दीजिए किन को आप कैप्टन बनाइएगा, ठीक है। हर्षदीप सिंह फेवरेट है भाई, हर्षदीप सिंह हर एक मैच विकेट निकाल के दे ही देता है,
है, शुरुआती में नहीं देगा लेकिन अंत में आपको विकेट निकाल के दे देगा, ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर हरदीप सिंह को कैप्टन बनाऊंगा और मुजीब रहमान को आप यहाँ पर वाइस कैप्टन, या साकिब हसन को हम वाइस कैप्टन बनाते हैं और हरदीप सिंह को कैप्टन, हसन को हम यहाँ पर वाइस कैप्टन बनाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और सेव टीम पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। और दो टीम देते हैं टेलीग्राम पर, हम आपको दो टीम देते हैं, ठीक है, दोनों टीम में आप किसी को चूज कर सकते हैं, दोनों टीम को ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। और दो टीम काफी अच्छा रहता है, जैसा कि आपको बताया था, हम हिस्ट्री भी आपको दिखाए थे कि दो टीम हम आपको देते हैं, टीम बना सकते हो और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, वंदे मातरम।